अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुनाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। विभीषण जी लंकापति रावण से कहते हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देव जनी खोरी। श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और हे रावण तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जब ही आयु इन भय सब तब ही साधु अब ज्ञात रत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा भयो विभव बिनु तब ही अभागा, चलो हरषि रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वो अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हम जाय चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परसी तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावन कारी। वे सोचते जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल लाल स्वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पति अहिल्या तर गई और जो दंडक बन को पवित्र करने वाले हैं। ये पद जनक सुता उर आए कपट तुरंत संग धर धाए, हर उर सर सरोज पद ये अहो भाग्य मैं देखी हूँ ते। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर में विराजित हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। इन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हूँ इन नैनन अब जाय। जिन चरणों की पादिका में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आह आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सब प्रेम बिचारा हायो सपद सिंधु यही पारा, कपिल ने विभीषण आवत देखा जाना को रिपु दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण जी को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है।
ताहिरा की कपीस पहीं आए, समाचार सब ताही सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आबा मिलन दशासन भाई। उन्हें पहरे पर रखकर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहे प्रभु सखा बूझेऊ काहा, करें कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। ये इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सच आवा, राखियों बांधी मोही अस भावा। सखा नीत तुम नीकी बिचारी, ममपन सरनागत भयहारी। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागतों के भय को हर लेना। सुन प्रभु बचन हरषि हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत बच्छल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूं जे तजै निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तीन ही विलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, अर्थात पाप लगता है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।